असलम स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंग्लर एंड प्रिंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन तो वो स्टार्ट करते हैं इनके इंट्रोडक्शन से एडॉल्फ एंग्लर एंड कार्ल प्रिंटल इन दोनों के इंट्रोडक्शन के बाद हमें पता चलता है कि ये जर्मन बॉटनिस्ट थे 23 वॉल्यूम वॉलीम वर्क इन्होंने किया मोनमेंटल यानी कि एक यादगार काम किया इन्होंने जिस किताब में इन्होंने काम किया था उसका नाम था डी नेचुरशन परफलेंज ए यानी कि द नेचुरल प्लांट फैमिलीज़ एलजी एल जी टू कि एल जी से लेकर तक क्लासिफिकेशन की थी फाइलोजेनेटिक सिस्टम पे बेस्ड था इनका एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स पे बेस्ड था इनका वर्क तीन सौ तीन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इन्होंने क्लासीफाई की थी ये इनकी वो बुक है जिसको आप ये देख सकते हैं ट्वेंटी थ्री वॉल्यूम है इसके आपको दिखाई दे रहे होंगे इस इमेज में ओके okay, जी अगर हम आउटलाइन एंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को देखें कि बेसिकली इन सारी जितने भी इनके वॉल्यूम्स हैं तो उसमें बात क्या की गई है तो अगर हम बात करें तो इंग प्लांटी को डिवाइड किया है थर्टीन डिविजन में डिवीजन वन से लेकर ट्वेल्व तक जो है वो किससे डील कर रही है बैक्टीरिया डिफरेंट टाइप ऑफ एल जी फंजाई ब्रायोफाइट्स एंड ट्रीडोफाइड्स से ठीक हो गया लेकिन जो थर्टीथ डिवीजन है उसका नेम क्या है एम्ब्रियोफाइटा साइफोनोगेमिया विच इंक्लूड्स ऑल द सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स यानी कि सारे सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स यहाँ से स्टार्ट होते हैं इट इज डिट द टू सब डिविजन उसकी दो सब सबडिविजन हो गई कौन कौन सी जिम्नोस्पर्मी नेकेड ओव्यूल्स या सीड्स एंजियोस्पर्मी इनक्लोज्ड ओव्यूल्स या सीड्स ठीक हो गया जिम्नोस्पर्मी हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू सेवन ऑर्डर्स जिम्नोस्पर्मी के सेवन ऑर्डर्स कौन फ्रॉम साइकेडोफिली केल्स टू नी टेल्स द सब डिविजन एंजियोस्पर्मी डिवाइडेड इंटू टू क्लासेस मोनोकोटिलेडनी एंड डाइकोटिलेडनी ओके okay, फर्दर अगर हम बात करें मोनोकोट्स जो है वो किस में डिवाइड हुए हैं इलेवन ऑर्डर्स एंड फोर्टी फाइव फैमिलीज में डिवाइड हुए हैं फर्स्ट ऑर्डर इज पेंडनेल्स विच पोजेसेज नेकेड यूनिसेक्सुअल फ्लावर यानी कि ये ऐसे फ्लावर्स थे जिनमें एक ही सेक्स पाया जाता था या तो वो मेल फ्लावर होता था या तो वो फीमेल फ्लावर होता था विद टाइफेसी एज अ स्टार्टिंग फैमिली टाइफेसी जो थी वो स्टार्टिंग फैमिली थी द लास्ट ऑर्डर इज माइक्रोस्पर्मी माइक्रोस्पर्मी जो था उसका लास्ट ऑर्डर था विद ऑर्किडेसी एज द लास्ट फैमिली और उसकी लास्ट फैमिली का नाम था ऑर्किडेसी डाई जो थे वो दो आ, सब क्लासेस में डिवाइडेड थे आर्चीक्लेम आई डी एंड सिंपटेली और, और मेटा क्लेम आई डी ठीक हो गया इन आर्चीक्लेम आई डी आर्ची क्लेम आई डी में कौन से आते थे द फ्लावर्स आर आर्चीक्लेमाइडस और ए क्लेमाइडस और मोनो डाई क्लेमाइडस बट पेटल्स आर मोस्टली फ्री पोली पेटल्स यानी कि ए क्लेमाइडी का मतलब ये होता है कि जो प्लांट्स के प्लांट के जो आ, फ्लावर हों फ्लावर के जो पेटल्स हों वो आपस में अगर चिपके हों तो वो क्लाइमाइडस टाइप होती है तो अगर आ, हम देखा जाए

तो उसके अंदर जो फ्लावर्स रखे गए उन सारे फ्लावर्स के जो पेटल्स थे वो आपस में चिपके हुए थे आर्चिकलेम आई डी हैज थर्टी थ्री ऑर्डर्स एंड टू जीरो सिक्स फैमिलीज द फर्स्ट ऑर्डर बिलोंगिंग वर्टीसी एंड क्रैसुलेस क्रेस कैसुरएस कैसुरियनसी एज द स्टार्टिंग फैमिली द लास्ट ऑर्डर बींग एम्बेलीफ्राई विद द कोरोनेसी एज द लास्ट फैमिली The Simpitelli has 11 orders with 52 families. The first order being Ericales with Cletheraceae as the starting family, and the last order is Campanulaceae with Campanuli with Asteraceae as the last family. ओके okay, अगर हम मेरिट्स की बात करें तो क्या खास बात है या क्या इसके मेरिट्स हैं एंगलर और पेंडल सिस्टम के तो चलें इसके बारे में बात करते हैं नंबर वन इट्स अ फायलिटिक फाइलोजेनेटिक सिस्टम फाइलोजेनेटिक सिस्टम के हिसाब से एक अच्छा सिस्टम था और एवोल्यूशनरी एफिनिटीज़ को ये फॉलो करता था नंबर टू इस सिस्टम में जो है वो ज़ाहिर सी बात है तमाम ग्रोप्स प्लांट के तमाम ग्रुप्स को डील किया गया जैसे किंगडम प्लांटी में बैक्टीरिया एल जी फंजाई ब्रायोफाइटा ट्रीडोफाइटा जिम्नोस्पियपर्म सब को डील किया गया तो इस वजह से ये एक अच्छी बात है अच्छा सिस्टम था इस सिस्टम में जो है वो मॉडर्न टक्सोनमी की की भी बहुत ज़्यादा मिलती हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ़ ईच ग्रुप ऑफ प्लांट अगर हम कोई भी प्लांट की स्टडी कर रहे हो तो उसमें काफ़ी सारी कीज़ की जरूरत पड़ती है तो वो सारी इसमें थी फिर उसके बाद गैमो जिम्नोस्पम्स ट्रीटेड एज द सेपरेट ग्रुप जिम्नोस्पर्म को एक कम्प्लीटली सेपरेट ग्रुप बताया गया इट्स पोजिशन बिफोर एनजियपर्म और वाकई में जिम्नोस्पर्म जो है वो एस्पर्म से प्रिमेटिव है और ये एक बहुत एक्यूरेट इट इज वेरी एक्यूरेट एंड इज परफेक्ट अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन और अभी भी मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये बिल्कुल दुरुस्त है पोजिशन ऑफ एस्ट्रेसी या कम्पोजिटि जो फैमिली है एज द लास्ट फैमिली ऑफ डाइकोट इज वेरी लॉजिकल एंड एक्यूरेट बिकॉज ऑफ इट्स हाई इवॉल्व फैमिली ऑफ डाईकोट ये जो सनफ्लावर वाली फैमिली है स्ट्रेसी ये जो डाइकोट्स के प्लांट है उनमें ये काफ़ी ज़्यादा हाईली इवॉल्व है तो जहर इसी बात है सबसे एंड पे इसको रखा गया तो ये एक ठीक पोजिशन है इसके लिए द पोजिशन ऑफ आर्किडेसी एट द एंड ऑफ मोनोकोट इज ऑल्सो वेरी एक्ूरेट एज इट्स द मोस्ट इवॉल्व फैमिली ऑफ मोनोकोट्स और फिर उसके बाद हम बात करें कि और की रेसी जो है उसको उन्होंने एंड पे रखा मोनोकोट के तो वो मोनोकोट के हिसाब से बिल्कुल एक्यूरेट रखा उन्होंने एनाटॉमिकल डाटा की अगर हम बात करें वर टेकन इन टू द कॉन्सिडेसन दिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम ये पहली दफा था कि प्लांट्स uh, की एनाटॉमी को बड़े गौर से देखा गया था और फिर उसको क्लासीफाई किया गया था ओके okay, जी इसके डी मेरिट्स भी हैं सी बात है जहाँ मेरिट्स हैं वहाँ डी मेरिट्स भी हैं मोनोकोट कॉन्सिडर्ड प्रीमेटिव टू डाइकोट्स कोड्स विच इज़ नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द मॉड रेवोल्यूशनरी एविडेंसेस अभी की जो एविडेंसेस हैं उसके मुताबिक मोनोकोट जो हैं वो डाईकोड से प्रीमेटिव नहीं है पहले डाईकॉड्स हैं बाद में मोनोकोट्स हैं तो यहाँ पर उस उन्होंने उलट काम किया था द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिमेटिव फ्लावर यानी कि यूनिसेक्शुअल अगेंस्ट द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन तो एवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट में बीच में ये जो एक्माइडस का एरिया आता है या यूनि सेक्शुअल फ्लावर्स का एरिया आ रहा है और उसको वो इतना बड़ा एरिया दे रहे हैं एवोल्यूशन का तो इतना ज़्यादा नहीं है मॉडर्न स्टडीज uh, के मुताबिक कंबाइनिंग ए पैटेलस फैमिलीज विसमीज टू फॉर्म द आर्ची क्लेम आई डी इज नॉट डिजायरेबल अगर हम लोग दोनों ए पैटेलस यानी कि ऐसे प्लांट्स जिनके पैटल ही नहीं होते और ऐसे प्लांट्स जिनके बहुत ज्यादा पैटल होते हैं उन सबको एक ही उन्होंने डाल दिया एक ही जैसे की फैमिलीज में डाल दिए है तो ये इतना डिजायरेबल नहीं है तो इसके नतीजे में जो है वो थर्टी थ्री ऑर्डर बन रहे हैं और दो सौ छह फैमिलीज बन रही है तो वो बहुत ज्यादा बंद दिस सिस्टम इज नॉट मच प्रैक्टिकल यूटिलिटी और अगर प्रैक्टिकली इसको हम देखें इसकी एप्लीकेशन तो वो बहुत कम है अच्छा जी ये हमारे पास एक चार्ट है जिसको हम एक्सप्लेन करके समझ सकते हैं uh, इनका जो सिस्टम था उसको हम शॉर्ट कट करके समझ सकते हैं प्लांट किंगडम से शुरू हुआ स्पेमेटो पे आया स्पेमेटोफाइटा में आके क्या है यानी कि वो जो थर्टीन था uh, ठीक uh, है यहाँ पर एम्ब्रियोफाइटा की तरफ इन्होंने मूव किया एम्ब्रियोफाइटा में दो इसने मेन बनाई थी सब क्लासेस नंबर वन पे uh, बनाया इसने एंजियोस्पर्म्स और दूसरा जिम्नोस्पर्म्स और इसमें से क्लासेस बनाई जिम्नोस्पर्म्स में सेवन ऑर्डर साइकेडोफिलीकेल्स साइकडेल्स बेनिटील्स किंकोगेल्स कॉनीफरेल्स कॉर्डेटेल्स नीटेल्स और जबकि एंजियोस्पर्म्स में इसने दो ऑर्डर दो क्लासेस दी और जिसमें मोनोक्वाट में इलेवन ऑर्डर्स फोर्टी फाइव फैमिली और डाइकॉट में फोर्टी फोर ऑर्डर्स और टू सिक्सटी वन फैमिलीज जबकि आर्ची क्लेम और मोनोक्लेम आई जो है मेटा क्लेम इसके बाद उसने डिवाइड किए जिसमें आर्ची क्लेम में थर्टी थ्री ऑर्डर थे और मेटा क्लेम में इलेवन ऑर्डर्स थे तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़